मैं तो थक हार के बैठ गई हूँ। जो बाहर वाले हैं ना, उनकी शॉपिंग पहले स्टार्ट हो जाती है, वो देखें जरा। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग लाहौर से वापस आ रहे हैं घर। ओ वाह मम्मी जबरदस्त, ये देखें देखें जल्दी है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत होंगे एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस करते हैं अपने ब्लॉग को यहाँ से स्टार्ट। तो दिन का टाइम, दिन तो नहीं, खैर शाम होगी, शाम के 4 बज रहे हैं। सारी रात हमारा ब्लॉग जो है वो स्टार्ट इसी टाइम होता है मोस्टली, बिकॉज रात को सारी रात हम लोग जाग रहे होते हैं और दिन में सोते हैं, लेट उठते हैं, फिर नाश्ता वाश्ता होता है, तो करते करते ये टाइम आ जाता है। ओके बाय बाय। तो अभी जो है हम डिसाइड कर रहे थे बैठ के, मैं और अम्मी के, चलो कहीं चलते हैं। तो हमने सोचा कि हम F10 चलते हैं, क्योंकि F10 में भी 2 दिन पहले 12-12 की सेल लगी थी, तो हमें इतना मूड नहीं हो रहा था उठने का जाने का। तो आज जो है अम्मी ने कहा चलो चल के आओ, देख कर आते हैं कि क्या आया है। तो बस अम्मी और मैंने भी डिसाइड किया हम जल्दी से F10 के लिए चलते हैं और देखते हैं कि क्या आया। चलो लेट्स गो। ये देखें जी, पबिया पूरी जगह छोड़ के सिर्फ इसको मेरी गोद मिली है, गोद पे बैठने के लिए, बाकी इसने पूरी जगह छोड़ दी है। पबिया साहिबा, पबिया आपको आपको मेरी गोद में क्यों बैठना होता है? बस पबिया बड़ी हो जाती है अपने टाइम पे और फिर बेबी हो जाती है कुछ देर बाद ही। देखें इस्लामाबाद में भी कितना रश होने लग गया, एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी इतना टाइम लग जाता है, आधा पौना घंटा तो कहीं नहीं जाता इस ट्रैफिक में, कोई निज़ाम नहीं है। सो गाइस हम लोग जो है पहुंच गए हैं F10। F10 में अब जा रहे हैं हम लोग एथनिक। चलो अच्छा सब रोड क्रॉस कर लें। हाँ जी, पहला स्टॉप हमारा है एथनिक में। चलो जी अब देखते हैं क्या क्या आया हुआ है। नाउ वी आर गोइंग टू फर्स्ट फ्लोर, क्योंकि नीचे ग्राउंड पे तो सारा जो है वो लगा हुआ है सर्दियों के लगे हुए, और हमें चाहिए कितनी छोटी सी लिफ्ट है, हमें चाहिए समर कलेक्शन। समर कलेक्शन उन्होंने कहा है ऊपर लगी है फर्स्ट फ्लोर पे, तो बस चला जी खुल गया भैया। और जी लॉन कलेक्शन हमें मिल गई है एथनिक की, दिखाएं अच्छा लग रहा है। टू पीस है मेरे ख्याल से, हमें भी 2 पीस ही चाहिए, लेकिन सारे आपको नहीं लग रहे एक ही जैसे कलर के हैं? फॉन कलर्स पर्पल टोन में, ये भी लगा हुआ है, ये भी पर्पल में ही है, पर्पल लगता है ना बहुत पसंद है। अम्मी जो है वहाँ शॉपिंग कर रही हैं और हम यहाँ अपने आप को देख रहे हैं। अभी तो फिलहाल हम मरियम को दिखा रहे हैं कि उसको क्या पसंद आ रहा है, उसने क्या लेना है, क्योंकि जो बाहर रहने वाले लोग होते हैं ना उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है, उनको कपड़े यहीं से ही चाहिए होते हैं। तो बस अभी फिलहाल यही चल रहा है, उसको कॉल पे ऑनलाइन लिया हुआ है और हम कपड़े दिखा रहे हैं उसको पसंद आना बहुत मुश्किल काम है कॉल पे। एक ड्रेस पसंद आ गया है, अब देखते हैं कि उसका एक और मतलब साइज मिल जाए अल्लाह करे, ऐसे तो सेल पे लगे हुए, अब देखते हैं कि क्या है। पबिया को तो ये शूज पसंद आ रहे हैं, पबिया ये लेना आपने है? शूज की वैरायटी अच्छी लगी है इनके। ओके ठीक है ठीक है, मैं आपको ही दिला दूंगी, जब आप बेगो जाओगी ना तब दिलाऊंगी। मैं तो थक हार के बैठ गई हूँ, जो बाहर वाले हैं ना उनकी शॉपिंग पहले स्टार्ट हो जाती है, वो देखें ज़रा। मेरी शॉपिंग 2 मिनट की होती है, जैसे ही पसंद आया ले लिया फौरन। और अम्मी जो है वो मरियम को दिखाई जा रही है, उसको पसंद ही नहीं आता, उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, देखें ज़रा। मैं और फबिया तो आ गए हैं बैठ गए हैं यहाँ पर, कि जितनी देर इनकी शॉपिंग चल रही है हम यहाँ आराम से बैठ के अपना टाइम स्पेंड करते हैं। ओके फबी शुक्र है, फाइनली शुक्र है, यहाँ से एक फाइनल हो गया है, अब देखते हैं नेक्स्ट कहाँ जाते हैं। मम्मा ना जाए क्या? अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा, वन पे ग्राउंड पे, ग्राउंड पे जी प्रेस करो जी, जी प्रेस जी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, मम्मी अब कहाँ जाना है? अब हमने जाना है सीधा जाना है क्योंकि टाइम कम है। और मरियम की शॉपिंग तो ऐसी होती है कि हमें एक सूट पे एक टाइम घंटा लगता है। चलो जी लेट्स गो, बाकी कल जाएंगे। ठीक है
अब चलते हैं काउंटर की तरफ, देखते हैं हमारा सूट आया कि नहीं आया। आ गया, वो तय कर रहे हैं। और इन्होंने अपनी फ्रेग्रेंस भी निकाली है, पता नहीं कैसी होगी, मैंने ट्राई नहीं की, चेक करते हैं। वैसे फ्रेग्रेंस भी अच्छी है इनकी। पापा गाड़ी में हैं और हमारा एक सूट हो गया है, बस अब हम घर की तरफ जाएंगे। हमारे पास इतना ही टाइम बचा था तो अब बाकी देखें, कल आना पड़ेगा हमें दोबारा, है ना मम्मी? अब कल आएंगे हम लोग। चलो आ जाओ फबिया। अब जवाद मामू ने जाना है ऑफिस और उनके लिए हमें जल्दी से घर जाना पड़ेगा क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक लग जाता है। हमें एक घंटा पूरा पहुँचने में, एक घंटा लगा यहाँ आने में और एक घंटा लगेगा अब जाने में, तो समझे हमारा तो आधा टाइम ट्रैफिक में ही गुजर जाता है। सो लेट्स गो। पापा गाड़ी में ही बैठे हुए हैं। फाइनली गाइस वी आर होम। ओह और इतना टाइम लग गया, आप सोच नहीं सकते। उठ गए एक घंटे के बाद, हमें एक घंटा लग गया ट्रैफिक में घर पहुंचते पहुंचते और बस वहाँ पूछे गाड़ी में सो गए थे हम लोग तकरीबन। और अब ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग लाहौर से वापस आ रहे हैं घर। ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है। जाओ अभी जल्दी से क्लासेस लेकर आओ, भाग के जाओ। वाह फबिया ने क्लासेस आके दे दी नानू को, वेरी गुड। अभी आपके चावल पका देगी। और पापा आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है पापा की अब। और हम लोग बैठ गए हैं, अब 8 बज रहे हैं, गैस आ रही है किचन में और अब देखते हैं क्या पकता है। क्या खाली? अच्छा, खाली हो गया। गुड गर्ल। अम्मी आज क्या बना रही हैं आप? चावल? Yes. चावल खाएंगे आज हम। मिक्स वेजिटेबल। ओहो मिक्स सब्जी खोल लूं इसमें? हाँ। ओह वाओ जबरदस्त, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और इसमें क्या, इसको खोलूं? ये बड़ा गर्म हो रहा है जी, ये पक रहा है। ओए वाओ चिकन, ये मेरी, ये तो अम्मी बहुत जबरदस्त बनाती है। हर सर्दी में जो है ना अम्मी की यखनी लाजमी होती है। चुकंदर भी जाएंगे। अच्छा कलर आ जाएगा उससे ना, और बड़ा फट। अम्मी आपके चावल जो है वो बॉयल हो रहे हैं, आप उसको हल्का कर दो। मैं घुसी हुई हूँ इतनी सर्दी में, बंद करो जल्दी से फबिया, जल्दी से बंद कर दो। फबिया का बस यही काम है, आते साथ ही फ्रिज में घुस जाती है फौरन। नहीं चॉकलेट नहीं खानी हमने, चॉकलेट आपको क्या पता कहाँ पे है जी? नहीं इधर ही है, कह रही हूँ इधर ही है, फ्रिज में छुपी हुई है चॉकलेट। बट हम आपको चॉकलेट नहीं देंगे बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग वेल। चलो बाहर चलते, फबिया की पेटू में दर्द है ना, इसलिए अभी चॉकलेट वगैरह फबिया को बांध है। रोटियां बनानी है ठीक है, तो हमें आप चावल बना रही हैं तो फिर रोटियां क्यों बना? पापा नज़ला। हाँ जी पापा को नज़ला। पापा चावल नहीं खाएंगे तो रोटी खाएंगे। चले अच्छा ठीक है, फिर आप रोटियां बना लें क्योंकि फिर गैस चली जाएगी। अभी है वो 8 बजे, आपके पास सिर्फ एक घंटे में जो जो बना सकते हैं बना लें ताकि। ओके ओके नानो जो है फबिया को चूना गला रही हैं। जाओ अभी जल्दी जाओ, जाओ जल्दी 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 भाग के जाओ। ये देखो जी, ओ हम भी जा रही हैं मोटरसाइकिल पे और वो फबिया को नहीं लेके जा सकती, पापा के साथ जा रही हैं। ओ मेरा बेबी, अभी हम नानो से बात नहीं करेंगे। ओ चलो अच्छा आ जल्दी आ मेरी बेटी। ओ अब मुझे फबिया को जो है वो चुप कराना पड़ेगा बिकॉज शीज, आपको वाजे आ रही होंगी फबिया जो है ना वो बहुत जोरदार हो रही है, मैं इसको चुप करा के पेपर आती हूँ। सो गाइस सीन कुछ यूं है कि फबिया को बड़ी मुश्किलों से मैंने हैंडल किया है और देखें नानो इसको नहीं लेके गई और ये नानो से नाराज बैठी हुई है। ठीक है नानो, नानो हम आपसे बात नहीं करेंगे और फबिया को मैंने ओके ओके ऐसे नहीं कहते, बड़ी बात होती है नानो। अब आपको, अब अम्मी पापा ने जाना था मोटरसाइकिल पे बिकॉज गाड़ी जो है वो जवाब लेकर गया ऑफिस और क्या कहते हैं, अम्मी पापा गए हैं मोटरसाइकिल पे, उनको कुछ काम था तो ऑब्वियस ही बात है ठंड इतनी है। ओके
तो ठंड इतनी है कि फबिया को वो लेके जा नहीं सकते थे, जिसकी वजह से फबिया से वो छुप के निकल रहे थे। अम्मी ने काफ़ी ट्रैप किया है इसको, लेकिन एंड में वो पकड़ी गई हैं और अब वो चली गई हैं। तो अब काफ़ी मुश्किलों से मैंने फबिया को जो है वो हैंडल किया हुआ है। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको याद आता है कि नानू मुझे नहीं लेके गई मम्मा। तो फबिया जो है बैठ के देख रही है कार्टून्स और फबिया खेल रही है स्लाइम से और मैं इसके साथ बैठी हुई हूँ कि फबिया को कंपनी दे रही हूँ। तो लेट्स सी, देखते हैं कि अम्मी पापा कब तक आते हैं। शिकायत लगा दी है मेरी। नानू आप कहाँ गई थी फबिया को छोड़ के? तो सीन कुछ यूं है गाइस कि आज जो है ना रोटी पका, एक रोटी बन गई और एक रोटी बनाते बनाते गैस चली गई। तो मैंने अम्मी को बोला अम्मी हम माइक्रोवेव में रख के ट्राई करते हैं। तो मैंने ना माइक्रोवेव में रोटी रख के एक मिनट दे दिया और अब हम देखते हैं। जुगाड़ जो है ना वो कुछ ऐसा हो गया, मेरे ख्याल से ना कलर नहीं आएगा, है ना? लेकिन पक्की भी तो नहीं, पक्की भी नहीं है ना, कच्ची है। मेरे ख्याल से दो तीन मिनट देख कर देखते हैं। फूली तो है, फूल गई है, फूली है, लेकिन ना वो सोगी हो रही है। अम्मी ये ऊपर ना रखें। हाँ मेरे ख्याल से उसकी वजह से ये सोगी हो रही है, देखें गीली हो रही है स्टीम की वजह से ना। तो गाइस देखते हैं कि अब इसको बगैर ढक के देखते हैं कि रोटी, पिज्ज़ा तो बन जाता है, अब रोटी को ट्राई करते हैं। कितने ढाई मिनट मैंने दे दिए हैं और अब देखते हैं रोटी बनती है कि नहीं बनती। और ये चेक करें अम्मी की मज़ेदार सी यखनी, सर्दियों की स्पेशल यखनी, चुकंदर, चिकन, प्याज, गाजर, मटर, सारी सब्जियां। अम्मी ने कहा लो सब्जियां खानी है ना, सब्जियों की पियो। तो लेकिन ये होती बहुत मजे की है, इसका कलर देखे कितना प्यारा कलर है, रेड कलर है। मैं सिप लेने लगी, उफ मजा ही आ गया। अम्मी ये हर सर्दियों में बनाती थी, तो इस सर्दियों मैंने मैंने अम्मी को यही बोला, मैंने कहा अम्मी आपने अभी तक कोई यखनी नहीं बनाई जो आप बना के हमें पिलाती थी शुरू से, तो अम्मी ने आज बनाई है और बहुत मज़े की, बिल्कुल वैसे ही टेस्ट है। और सारी सब्जियां अम्मी ने डाली हैं इसमें और चिकन डाला है, आप गोश्त भी डाल सकते हैं, चिकन डाला अम्मी ने और यखनी तैयार है। और अब हम बैठ के यखनी पिए और गाइस देखते हैं कि अम्मी की रोटी बनी कि नहीं बनी। ओ वाह अम्मी ज़बरदस्त, ये देखें देखें जल्दी है फूल गई। आई लव मम्मा। क्या हुआ? पापड़ बन गई। ओफ अल्लाह, पापा से कहना है जी रोटी हमारा फेल हो गया, लेकिन फूल तो गई है। ओफ बहुत गर्म है, हाँ ये बेक हो सकती है। चलो खैर कोई बात नहीं, रोटी हमने बनाने की कोशिश की थी और वो नहीं बन सकी। और ये आज मीठे में हमारे पास है फ्रूट चाट, अभी अपने पापा की ले ली है प्लेट, अब हम खाते हैं। क्यों? रमजान की याद आ गई है ना अम्मी, रमजान में हम लोग खाते हैं ना फ्रूट चाट। सो गाइस सीन कुछ यूँ है कि रात का बज रहा है एक और एक बजे तक बैठ के हम लोग देख रहे थे ड्रामे वगैरह, खाना भी हमने खा लिया था और ड्रामे देख लिए हैं। अब हम बैठे हुए थे और फबिया और नानो जो है बैठ के गेम खेल रहे हैं, ये लोग देखें पजल्स बना रहे हैं बैठ के। फबिया जो है वो लेके बैठी है नानो को। मेरा नहीं तोड़ना। मैं बैठी हुई हूँ टीवी देख रही थी बैठ के, तो मैंने कहा चलो अब दी एंड कर देते हैं व्लॉग का, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब देखिए कल जो है वो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि रात को कुछ डिसाइड करते हैं हम, सुबह कुछ डिसाइड करते हैं। रात कहते हैं कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे और सुबह वो प्लान इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, तो अब देखते हैं कि कल हमारा क्या प्लान है। कल फ्राइडे भी है, तो मेरे व्लॉग्स को करें लाइक शेयर एंड कॉमेंट, और लाइक जो मेरी वीडियोस देख लाइक ज़रूर किया करें, बिकॉज लाइक करने से जो है वो इम्प्रेशंस अच्छे पड़ते हैं। सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा मेरे चैनल्स को, जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें आगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।